स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है क्रिएटिंग टेबल के बारे में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है ये हमारा क्रिएटिंग टेबल का सबसे लास्ट टॉपिक है। आज ये हमारा जो है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट का चैप्टर वो आज हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जल्द से जल्द जुड़े और अपने तैयारी को आगे ले जाएं। ठीक है, क्योंकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में इस बार 5 लाख के तकरीबन फॉर्म भरा गया है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उनका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी काफ़ी पहले से भी कर रहे हैं और अभी कंटिन्यू में कर भी रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, खास के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी ज़िले से हो, ठीक है, किसी भी पंचायत से हो, किसी भी ब्लॉक से हो, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं और एक मिनिमम फीस जमा करके आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो नहीं जाता है, कंटिन्यू आप लोग को गाइड मिलते रहेगा, कंटिन्यू आप लोगों को जो है तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय आएगा आप लोगों को हर चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी ज़िले से हो या कहीं से भी हो, जिन्होंने बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरा है, तो वो लोग हमसे जुड़े और अपना तैयारी बेहतर करें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो टफ होगा ही। ठीक है, तो तैयारी भी थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है क्रिएटिंग टेबल के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे क्रिएटिंग टेबल के बारे में। ठीक है, यानी तालिकाएं बनाना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, जो तालिका किस तरह से बनता है उसी को हम लोग क्रिएटिंग टेबल बोलते हैं। एक टेबल आमतौर पर रॉ और कॉलम से मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल का उपयोग इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। आप अन्य कई कारणों से भी अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करने के स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वह एमएस वर्ड ओपन करें। अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में माउस कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप टेबल जोड़ना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप है मेनू बार में स्थित इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। ठीक है, तीसरा स्टेप है टेबल ग्रुप के अंदर टेबल पर क्लिक करें, जहां आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए मेथड वन समझते हैं, ग्रिड टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए ग्रिड का प्रयोग किए करें। ठीक है, आप ग्रिड का उपयोग करके टेबल बना सकते हैं, जहां वर्ग आपकी टेबल में मौजूद रो और कॉलम की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस आप अपने माउस की ग्रिड पर खींचे और आवश्यक वर्गों की संख्या को हाईलाइट करने के बाद जो है क्लिक करें। ठीक है, चलिए मेथड दो को समझते हैं, इंसर्ट टेबल के बारे में। तो इंसर्ट टैब में टेबल बटन पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इंसर्ट टेबल मेनू ओपन होगी। यह मेनू आपको उन रो और कॉलम की संख्या को निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करता है जो आप अपनी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। साथ ही आप अपने सेल की सामग्री के लिए विध को ऑटोफिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या आप जो है एक फिक्स्ड चौड़ाई भी रख सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए जो है ओके बटन पर क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं मेथड जो हमारा तीसरा है, मेथड थर्ड, उसको समझते हैं, ड्रॉ टेबल। इस विकल्प का चयन आप डॉक्यूमेंट पेज पर एक टेबल ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने माउस या ट्रैक पैड का उपयोग करके अपने चुने गए पेज पर इच्छित आकार की एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं।
एक बार जब आप अपनी टेबल के लिए बाहरी बॉर्डर बना लेते हैं तो आपको कॉलम्स जोड़ने के लिए टेबल के अंदर नीचे की ओर या एक लाइन जोड़ने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ जो है करना होगा, ठीक है। चलिए मेथड चार हम लोग समझते हैं, जो मेथड चार क्या है, तो मेथड चार है क्विक टेबल। यदि आप प्रीबिल्ट टेबल टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं तो आप क्विक टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कैलेंडर, डबल टेबल, मैट्रिक्स इत्यादि बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में एक क्विक टेबल इंसर्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोगों ने देखा और समझा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। और जो भी बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो इस पीडीएफ को जो भी बच्चे परचेज करके पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।